दोस्तों, कल के दिन राष्ट्रवादी चेस घाटकोपर इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के मैच में दोस्तों सुपर ओवर हुई, लेकिन वो सुपर ओवर दोस्तों दोबारा खेली गई। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। सुपर ओवर की बॉलिंग डालने आ रहे थे जीशान और दोस्तों पहली गेंद खेल रहे थे प्रथमेश म्हात्रे। पहली गेंद पे दोस्तों प्रथमेश म्हात्रे आउट होते हैं और दोस्तों इमरोज खान ने ये कैच पकड़कर अपना सेलिब्रेशन चालू किया। तो दोस्तों फिर से हम देखते हैं पहली गेंद पर क्या हुआ। रिप्ले में दोस्तों जिशान ने बॉल डाला, प्रथमेश म्हात्रे ने इमरोज के हाथ कैच दी। तो दोस्तों सुपर ओवर फिर से होने का कारण ये था कि स्ट्राइक पे जो बैट्समैन था प्रथमेश म्हात्रे, उसके सामने जो स्टंप थे उस पे दोस्तों बेल्स नहीं थी। गौर से देखिए, बेल्स हमको दिख नहीं रही। तो दोस्तों अंपायर को ये बात तब पता चली जब प्रथमेश म्हात्रे दोस्तों आउट हुए। तो दोस्तों अंपायर अभी विकेट पे बेल्स लगाते हैं और ये बात दोस्तों केतन म्हात्रे को पता चली। तब केतन म्हात्रे ने सीधा थर्ड अंपायर को रेफर किया और दोस्तों ये मैच चालू होने में करीब आधा से ज़्यादा घंटा लगा। और दोस्तों मैच चालू होने से पहले कमिटी ने दोनों टीम से सहमति ली कि मैच दोबारा होगा। और दोस्तों ये डिसीजन दोनों टीम को पसंद आया, इसलिए दोस्तों ये मैच फिर से स्टार्ट हुई। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।